नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आर्क फाइनेंस लिमिटेड। बहुत टाइम बाद इस कंपनी में फिर से अपर सर्किट लगना स्टार्ट हो चुका है। आप देखेंगे यह कंपनी अपना हाई बनाया था 67 रुपीज़ 10 पैसे पे और यह कंपनी आज क्लोज हुआ है 24 रुपये 40 पैसे पे, यानी काफ़ी बड़ा गैप आपको देखने को मिलेगा और कल इस कंपनी में इससे भी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलने वाला है। तो जो लोग भी इस कंपनी में पैनिक करेंगे कल के डेट में, उससे पहले वो आज समझ लें कि कल इस कंपनी में गिरावट होगी क्यों और गिरावट होगी तो आपको करना क्या चाहिए। क्या आपको अपना माल बेच के निकल जाना चाहिए या फिर और भी क्वांटिटी बाई करके रख लेना चाहिए, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, कोई भी पार्ट मिस ना करें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो देखते हैं इस कंपनी के डिटेल को और कंप्लीट एनालाइज कर लेते हैं। दोस्तों अगर इस कंपनी के फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटली आपको एवरेज देखने को मिलेगा, लेकिन कंपनी के क्वार्टर के रिजल्ट थोड़े से वीक आए थे इसीलिए इस कंपनी में इतनी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिला। अगर कंपनी की ग्रोथ की बात करें तो आप देखेंगे कंपनी का 52-week low जो कि 3.74 रुपये का था, वहाँ से अगर आप कंपेयर करेंगे इस कंपनी के 52-week high को या फिर इस कंपनी की करंट प्राइस को, तब अब तो फिर आप देखेंगे अभी भी यह कंपनी काफ़ी बड़ा रिटर्न आपको दे चुका है। तो देखते हैं इस कंपनी के और डिटेल को। दोस्तों आइटम के चार्ट में हम डिटेल देखें तो आप देखेंगे कंपनी यहाँ टॉप पे चलता था और गिरते हुए कंपनी अपने बॉटम पे आ चुका था, यानी कि इस कंपनी का जो स्ट्रांग सपोर्ट लेवल था वो 200 दिनों के DMA के पास में था, लेकिन कंपनी वहाँ तक नहीं गया, उससे पहले अगेन बाउंस बैक कर गया। तो क्या ये सच में गिरा, इस कंपनी में तेज़ी आपको देखने को मिला या फिर ये सिर्फ फेक है? तो बिल्कुल यह सिर्फ फेक ही है, क्योंकि इस कंपनी को भगाया गया जानबूझकर। आप देखेंगे कल इस कंपनी में बहुत बड़ी गिरावट को देखने को मिलेगा। उसके पीछे का जो न्यूज है वो है इस कंपनी का स्प्लिट डेट। आप देखेंगे कल इस कंपनी के स्प्लिट का एक्स डेट है, यानी कि इसका जो प्राइस जो सेटल होगा, जो 24 रुपये पे यह कंपनी आज क्लोज हुआ है, यही शेयर आपको कल 2.5 रुपये के पास में मिलेगा। तो आप चाहे तो इस कंपनी को बाई भी कर सकते हैं और आप चाहे तो इस कंपनी को सेल भी कर सकते हैं, लेकिन करना क्या सही होगा वो हम आपको बताएंगे आगे शॉर्ट टर्म वाले चार्ट में। दोस्तों अगर इस कंपनी के डेली चार्ट में हम डिटेल देखें तो आप देखेंगे बहुत टाइम बाद इस कंपनी में काफ़ी बड़ा वॉल्यूम जनरेट हुआ है, यानी काफ़ी बड़ी क्वांटिटी इस कंपनी की बाई की गई है। इसका मतलब है कि आज जानबूझकर इस कंपनी को भगाने की कोशिश किया गया है। तो अगर इस कंपनी के आप पहले बिजनेस को एनालाइज करिए, कंपनी के फंडामेंटल को देखिए, उसके बाद ही इस कंपनी को बाई करें, क्योंकि स्प्लिट होने के बाद यही शेयर जो कि 24 रुपये पर क्लोज हुआ है, कल यही शेयर आपको 2.5 रुपये पर मिलेगा। तो आपको अगर बाई करना है तो आप चाहें तो बाई कर सकते हैं, लेकिन अपना रिस्क पहले एनालाइज कर लें, क्योंकि पैनी शेयर है तो पैनी शेयर बहुत भागते हैं तो बहुत ज़्यादा गिरते भी हैं, इसीलिए सबसे पहले आप अपना रिस्क एनालाइज कर लें, उसके बाद ही इस शेयर को बाई करें। अब बात कर लेते हैं कि स्प्लिट वाली क्वांटिटी हमारे डीमैट अकाउंट में कब तक आ जाएगा। उसकी अगर बात करें तो 2 से 3 working days लगता है, ऑटोमेटिक वो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, उसके लिए आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।